बेटा मैंने 71 में मेडिकल लाइन छोड़ी, उस वक्त डॉक्टर एक बहुत बड़ा इमेज था और मौलवी एक गंदगी का कीड़ा शुमार होता था। और मैं जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, हम पंजाब के लोकल ज़मींदार हैं जो तकब्बुर से भरे होते। मैंने जब वो रास्ता छोड़ के इल्म हासिल करने का इरादा किया तो मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे घर से निकाल दिया। ये 23 नवंबर 1972 हफ्ते का दिन था और सुबह मैं नाश्ता कर रहा था तो मेरे वालिद बाहर से तशरीफ़ लाए, धोती बांधी हुई। धोती बांधते थे उस वक्त सब, हमारी तो बूढ़ी औरतें भी धोती बांधती थी उस वक्त, और कुर्ता खुला जैसे होता है। तो मुझे देखते ही उनका पारा चढ़ गया और कहने लगे, जो तुम मौलवी बनना है तो मेरे घर ही चो, निकल जा। तो तुमने ज़ोर से कहा कि मेरा लुकमा ही मेरे हाथ से गिर गया। तो मैं बिस्तर उठा के निकल गया, फिर मैं रायमंड चला गया, वहाँ अल्लाह ने मुझे दाखिला दे दिया। जब मैं फारिग हुआ तो मेरी फैमिली, आमतौर पर हम फैमिली को तरजीह देते हैं, उनको रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं था। तो कहते मौलवी, मौलवी ने रिश्ता दे दे भी, ये तो भीख मांग के, हालांकि अल्लाह ने इतना कुछ दिया हुआ, फिर कहता ये तो लोगों से भीख मांग के खाएगा, लिहाजा ये मेरी पसंद नहीं थी। मौलवी को कौन पसंद पे देता। और जब एक जगह मेरा बयान हुआ तो वहाँ मस्तूरात में बयान के बाद औरतें आपस में बात करने लगी, मौलाना साहब की शादी हुई है कि नहीं हुई। तो मेरी बहन बैठी थी वहाँ बयान में, वो कहने लगी इसको तो कोई बेटी देता ही कोई नहीं। तो मेरी सास बैठी थी कि क्यों नहीं, हम इंशाल्लाह देंगे। इस तरह से बात चली और मेरा रिश्ता हुआ।